नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। उज्जैन कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर निगम के बाहर धरना दिया गया। उज्जैन कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन में नगर में व्याप्त जन समस्याओं को दूर करने और नागरिकों को मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कांग्रेस पार्षद साथियों के वार्डों में विकास कार्य करने के संबंध में एवं शहर में आवारा मवेशी गलियों में घूम रहे हैं एवं स्ट्रीट लाइट बंद हैं और अथवा आवारा कुत्तों के शहर के नागरिकों को काटे जाने की शिकायत पर नगर निगम में रोज की जा रही है। वहीं शहर की नालियां नालों में साफ सफाई नहीं हो रही है और पेयजल एक दिन छोड़कर आ रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, कांग्रेस कमेटी नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पार्षद राजेश माया द्विवेदी, कांग्रेस पार्षद परमानंद मालवी और सभी पार्षद कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। परंतु किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। आज लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नगर निगम कार्यकलापों को देख रहे थे, पार्षदों की शिकायतों को सुन रहे थे। आखिर तय किया गया कि शहर कांग्रेस कमेटी यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करे। उस पार्टी के कार्यकर्ता नेता उसमें आए। आज हमने धरना प्रदर्शन कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ पर किया है नगर निगम गेट पर। सभी को प्रशासन को समाचार पत्रों में सब छपने के बाद भी यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। आखिर में विधानतंत्र में क्या अधिकारी ज्ञापन लेना नहीं चाहते? क्या निगम के महापौर नहीं आ सकते थे? जो जवाबदार है वो नहीं आ सकते थे? आखिर में यहाँ पर 1,000-1,500 लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनता यहाँ पर उपस्थित हुई और जब 1 घंटे तक किसी ने ज्ञापन नहीं दिया तो प्रजातंत्र में आखिर भी यही आता है कि सड़क पे बैठा जाए तो नगर निगम के गेट के वहाँ पर बैठ गए और सारा यात्रा चाहे एम्बुलेंस हो चाहे सबको हमने जाने का रास्ता दिया और आवागमन चालू किया। पर प्रशासन को बात बोलना चाहिए जो इस शहर में नागरिक क्या बोल रहे हैं, उसके नोच रहे हैं, शांत सीन मार रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, पूरे प्रकाश व्यवस्था लाइटें बंद के चोर उठाई गिरे, सब लोग अपने धंधे पर लगे हुए। आखिर ये नगर निगम के अधिकारी महापौर कब जागे गए? इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आंदोलन किया। धन्यवाद। लगातार कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के वार्डों में काम नहीं हो रहे और मेरा तो कहना है कि पूरे शहर के समस्याग्रस्त हो, चाहे यहाँ प्रकाश की व्यवस्था बात हो, चाहे आवारा पशुओं की बात हो, चाहे शहर में गंदे पानी की बात हो, शहर में गड्ढों की बात हो, ये पूरा शहर अस्त व्यस्त हो चुका है। कहने को हम लोग स्मार्ट सिटी में जीवन यापन करते, कहने को ये लोग हम लोग ये CM की सिटी है, परंतु यहाँ पर हो क्या रहा है? समाचार पत्र आए दिन छाप रहे, पार्षद लगातार यहाँ पर ज्ञापन देते हैं, पार्षदगण रोज जनता को लेकर के आते हैं, पर यहाँ पर कोई किसी प्रकार की यहाँ पर गतिविधि नहीं बढ़ी, समस्या ठीक नहीं हुई। मजबूरन होकर आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को समस्त पार्टी के पदाधिकारियों, नेता, कार्यकर्ता और पार्षदों के साथ यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए। करीब 1,500 से लेकर 2,000 लोग हमारे यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता थे। हम सब लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन देना चाहते थे, पर नगर निगम के कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आके ज्ञापन लेना नहीं चाहे। 1 घंटे तक लोगों ने हम लोग गेट पर खड़े रहे। इस प्रजातंत्र में ये स्थिति हो गई है कि विपक्ष के साथियों का लोग ज्ञापन लेने को नहीं आ रहे, तो आखिर क्या किया जाए? प्रशासन पूरे शहर की जनता परेशान हुई है, आज इसलिए हुई है कि यहाँ पर कोई ज्ञापन लेने वाले अधिकारी नहीं थे। आज 2,000 लोग अगर इस आगर रोड पर खड़े रह गए तो पूरा पब्लिक अस्त व्यस्त होगा। तो निःशुल्क से महापौर को जागना चाहिए, निगम अधिकारी को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। इन सब बातों को लेकर के हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है, नगर निगम का घेराव किया है और इसी के साथ 10 दिन का समय दिया है, वरना विधानसभा तक ही उज्जैन कांग्रेस पार्टी के लोग विधानसभा घेरने तक जाएंगे। विधानसभा में अपने विधायकों के माध्यम से ये बातों को भी वहाँ करेंगे। आपका नाम बताइए। रविराज, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम। नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों के साथ जिस प्रकार से भेदभाव और पक्षपात हो रहा है, उन सारी बातों को लेकर शहर में निर्माण कार्य, सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, पानी व्यवस्था, इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी और सभी पार्षदों ने नगर निगम का घेराव किया। और ये अभी क्या कर रहे हैं नगर निगम के? ज्ञापन दिया कि नहीं अधिकारियों ने? ज्ञापन लिया ना, ज्ञापन और आश्वासन किया हमको कि निर्माण कार्य चालू कराएंगे, जैसा हमको आश्वासन दिया है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कदम करेगी कांग्रेस पार्टी? टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।